नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्रतिशत पढ़ा रहा था। प्रतिशत की मैं 7 क्लास करवा चुका हूँ, ये आज लास्ट क्लास रहेगी। 8वीं क्लास प्रतिशत की लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाना, आराम से सोल्व होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, जरूर उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? देखो क्वेश्चन क्या है, आराम से समझाता हूँ। जैसे एक बर्तन है, ये पूरा बर्तन है, मान लो 5 लीटर का बर्तन है, ये पूरा दूध से भरा है, प्योर दूध है। इसमें दूध बेचने का आप काम करते हो। एक कस्टमर आपसे दूध लेने आता है, उसको 1 लीटर देते हो, 1 लीटर उसको दूध देते हो, तो ये खाली होगा, कुछ खाली होगा ना, इतना मान लो इतना खाली हो जाता है ये। इसमें क्या करते हो, उसकी जगह जो खाली होना उसमें पानी ऐड कर देते हो। फिर दूसरा कस्टमर आता है, उसको 1 लीटर निकाल के दे देते हो, फिर पानी ऐड कर देते हो। फिर तीसरा कस्टमर आता है, उसको 1 लीटर निकाल के दे देते हो, फिर पानी ऐड कर देते हो। तो आपसे पूछा है लास्ट में इस बर्तन में दूध का कितना प्रतिशत रह जाएगा, एक्चुअल दूध कितना प्रतिशत रहेगा। भाई आप पानी ऐड किए जा रहे हो तो दूध का प्रतिशत तो घटेगा ना। यहाँ पे तो देखो 100% दूध था पूरा प्योर, ऐसे फिर यहाँ पे पानी ऐड करा, फिर दूसरी बार पानी ऐड करा, फिर तीसरी बार पानी ऐड करा, तो प्रतिशत तो घटेगा ना। तो कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है और आराम से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 20% का मतलब क्या होता है, इसको भिन्न में बदलो, 20/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, 0 से 0 गया, 2 का भाग 10 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 इसका मान आया। शुरू में 5 दूध था, शुरू में 5 था, 1 आपने निकाल दिया, 1/5 का मतलब ये है 20% दूध को निकाल रहे हो तो 5 में से 1 निकाल रहे हो, कितना बचेगा, 4। अगली बार भी आप ऐसे ही करोगे, 5 में से 1 निकाल दोगे तो 4 बचेगा, अगली बार फिर ऐसा ही करोगे, 5 में से 1 निकाल दोगे तो 4 बचेगा। ऐसा 3 बार करा है, क्वेश्चन में लिखा है 3 बार दोहराते हो ऐसा। तो शुरू में दूध ये था आपके पास, इसको मल्टीपल करा लो, 5 × 5 × 5 125 था। अब कितना रह जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब कितना रह जाएगा, 64। ये तो शुरू में था आपके पास, 125 था, 64 ही रह गया। तो ये कितना प्रतिशत रहा, शुरू में तो देखो 125 था, अब 64 ही रहा है, तो 125 में से 64 ही रहा है, इसको प्रतिशत में बदल दो। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में आपको आंसर देना पड़ेगा। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 64 से 4 गुणा होगा तो देखो 4 चौक 16, 4 6 से गुणा होगा तो 24, 1 हासिल की 25, वो बटे में 5। सोल्व कर लो इसको, 5 × 25, 5 एकम 5, 1 बच गया, 0 लगाओगे तो 10 बन जाएगा और 5 × 2 = 10, 51.2% आपके पास में अब दूध रहेगा उसमें। ये 3 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद, 1 लीटर निकाला फिर पानी मिला दिया, फिर 1 लीटर दूध निकाला फिर पानी मिला दिया, फिर 1 लीटर दूध निकाला फिर पानी मिला दिया, ऐसा आप करते जाओगे तो 125 में से 64 बचेगा। तो 125 का 64 कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है, 51.2% आपका आंसर होगा। 6 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 4% चीनी तथा शेष पानी है, में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। चीनी का घोल है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए चीनी का घोल किससे बनता है, चीनी और पानी से। चीनी का घोल जो बनेगा चीनी प्लस पानी से। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान में रखना है कि फिक्स कौन सी चीज़ है, कि साहब क्या बोल रहे हो फिक्स समझ में नहीं आ रहा, फिक्स कौन सी चीज़ रह रही है वो आपको पता करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगी। 6 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 4% चीनी थी, शेष पानी था, ठीक है, में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया। अब पानी आप वाष्पित कर रहे हो, देखो शुरू में 6 लीटर घोल था, 6 लीटर घोल था, अब इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया आपने, चीनी और पानी का घोल है, 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, 1 लीटर पानी उड़ा दिया, तो 5 लीटर घोल बचेगा, तो 5 लीटर घोल बचेगा। 1 लीटर पानी वाष्पित किया ना, तो टोटल घोल पहले 6 लीटर का था, 5 लीटर का बच जाएगा। तो पानी तो फिक्स नहीं है ना, पानी को तो आप वाष्पित कर रहे हो, पानी फिक्स नहीं है, चीनी फिक्स है, ये फिक्स है। तो एक बात बताओ, चीनी इसमें कितनी है, 4% है। क्वेश्चन कह रहा है 6 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 4% चीनी है,
4% चीनी है, तो मैं 6 लीटर का 4% निकालूंगा, ये चीनी की मात्रा आ जाएगी। एक चीज़ मेरे को ये बताओ, इसमें जितनी चीनी है क्या उतनी अब इसमें चीनी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। मान लो इसमें 2 kg चीनी थी, इसी में भी अब 2 kg रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी को आपने उड़ाया है, चीनी को थोड़ी कम किया है, चीनी की मात्रा फिक्स है। तो मैं 6 का 4% निकालूंगा तो चीनी की मात्रा आ जाएगा। जैसे मैं 6 का 4% निकालूंगा ये चीनी की मात्रा आएगी, जितनी ये मात्रा आएगी क्या उतनी मात्रा इसमें रहेगी क्या चीनी की? बिल्कुल रहेगी। आराम से समझ जा रहा हूँ, आराम से समझना इस क्वेश्चन को। देखो, मैं 6 का 4% निकालूंगा ये चीनी की मात्रा आएगी, जो फिक्स है उसकी मात्रा निकालनी है, फिक्स की वैल्यू को ही पकड़ना है। ये बराबर होगा किसके? 5 लीटर में। इसमें कितने प्रतिशत चीनी है पता ही नहीं आपको, तो मान लो कि एक्स प्रतिशत चीनी है। 6 में 4 है, 5 में कितनी है पता ही नहीं, तो x मान लो, इसको मल्टीपल कर लो, 6 4 से गुणा होगा तो 24, 5 x से गुणा होगा तो 5x या 5 गुणा x, x का मान निकालना है, 24 के भाग में चला जाएगा 5, 24/5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 5 को 20, बच के 4 हो गए 40, 5 अंटे 40, ये प्रतिशत में आएगा 4.8%। इस घोल में जो शेष घोल बचा ना 5 लीटर, इसमें चीनी होगी 4.8%। देखो चीनी की मात्रा फिक्स है कि उतनी ही रहेगी, बट चीनी का प्रतिशत क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले इसमें देखो 4% ही चीनी थी, अब 4.8% चीनी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि चीनी ज़्यादा होगी ना, चीनी का परसेंटेज बढ़ा है। जैसे आप दूध को लो, उसको गर्म करते ही रहो आप, पहले उसमें देखोगे कि फैट 10% है, फिर और गर्म करो, पानी कम होता जाएगा, पानी वाष्पित होता रहेगा, तो फिर 20% दूध रहेगा। जितना गर्म करते रहोगे पानी उड़ता रहेगा, तो दूध की मात्रा तो उतनी रहेगी बट परसेंटेज बढ़ता रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए? इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये ध्यान में रखना है कि फिक्स क्या है, जो चीज़ फिक्स है उसका प्रतिशत आपको पता होना चाहिए कि इतना प्रतिशत है, नहीं पता तो उसका निखारना है। अब चीनी का घोल है, चीनी का घोल वो चीनी और पानी से बनेगा कि चीनी और पानी? देखो 75 ग्राम का घोल है ये, फिर आगे वही चीनी और पानी का घोल रहेगा। अब इसमें यहाँ पे आप डिसाइड करो कि फिक्स क्या चीज़ है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, चीनी मिला रहे हो मतलब चीनी फिक्स नहीं है। फिक्स क्या हो जाएगा फिर, दो में से एक चीज़ फिक्स नहीं है तो ये फिक्स होगी, पानी फिक्स होगा, भाई चीनी फिक्स नहीं है तो पानी फिक्स होगा। अब इसमें जितना पानी है उतना ही इसमें रहेगा, इस घोल में जितना पानी है उतना ही इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप चीनी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड नहीं कर रहे हो, चीनी ऐड कर रहे हो, तो पानी पहले जितना था उतना ही इसमें रहेगा। तो 75 का कितना परसेंटेज इसमें पानी है वो देखो, चीनी है इसमें 30%, तो चीनी जब 30% है तो पानी क्या 70% रहेगा क्या? जो फिक्स है उसी का प्रतिशत लेना है। और दूसरे घोल में देखो कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। अब इसमें 70% पानी है, चीनी है, 70% चीनी है, तो पानी कितना रहेगा? 30%। आपको जो फिक्स है उसका परसेंटेज लेके चलना है। देखो 75 में पानी फिक्स है तो 70% क्या है? पानी है, ठीक है, 75 का 70% पानी है। अब मैं 75 में क्या जो ऐड करूं, कितना ऐड करूं, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, टोटल गोल 75 ग्राम का है, इसमें कितनी चीनी मिलाऊं? मान लो कि मैं एल चीनी मिला देता हूं, टोटल ये हो गई, और इसका मैं जैसे ही 30% निकालूंगा वो पानी की मात्रा आ जाएगी। देखो 75 का मैंने 70% निकाला तो ये पानी की मात्रा आएगी, 75 + L, L प्लस L क्यों कर रहा हूँ, कोई मात्रा आप मिला रहे हो तो प्लस होगी ना टोटल में, पहले 75 थी, 75 + L हो जाएगी, उसमें कितना पानी रहेगा? 30%। ये भी पानी की मात्रा है, ये भी पानी की मात्रा है, बराबर हो गई। अब इसको सोल्व कर लो, प्रतिशत से तो प्रतिशत कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 3 के 12 से काट दो इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 25 7 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 175। बराबर में कितना है? 75 + L, आपको L का मान निकालना है, L क्या है? मिलाई गई चीनी की मात्रा है, 75 इधर जाएगा तो 175 में से मैं 75 घटा दूंगा तो L का मान आ जाएगा, तो L का मान कितना आएगा? 100 ग्राम। यही आपका आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए?
आपको ये ध्यान में रखना है कि फिक्स क्या है, क्या मिला रहे हो, कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी मिला रहे हो तो फिक्स क्या है, नमक है, नमक और पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है। तो जो फिक्स है उसका प्रतिशत पे ध्यान देना है, इसमें 6% है नमक, ठीक है। अब दूसरा घोल जो बनेगा नमक और पानी का ही रहेगा, उसमें नमक कितना है, उसमें देखो नमक है 5%। पहले वाला घोल है 25 लीटर का, क्वेश्चन कह रहा है 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस घोल में कितना पानी मिलाया जाए। अब इसमें पहले 25 था, अब जो नया घोल होगा 25 प्लस एल होगा क्या भाई, पानी मिलाओगे तो 25 तो रहेगा प्लस एल और बढ़ जाएगा ना घोल टोटल, ठीक है। तो आप तो नमक की मात्रा निकाल लो, 25 का मैं 6% निकालूंगा तो नमक की मात्रा आएगी, और इधर मैं 25 प्लस एल का 5% निकालूंगा तो भी नमक की मात्रा आएगी, और ये दोनों बराबर होंगे। जो फिक्स है उसी की ही मात्रा निकालनी है, वो ही बराबर होगी, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 के पारे से काटो, 5×25 5×6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 30, 25 प्लस एल, एल का मान आएगा 25, उधर जाके घटेगा 30 में से, 30 माइनस 25 बराबर एल, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये एल का मान कितना आ जाएगा 5 लीटर, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, ये आपको बताना है। देखो गांव में पहले क्या था, टोटल 5000 लोग थे, लोगों में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, मेल और फीमेल। अब क्या हुआ, 10% तो पुरुष बढ़े, मेल बढ़े 10% और फीमेल बढ़ी 15%। ऐसा होने पे टोटल जनसंख्या 5600 हो गई, एक वर्ष बाद की कहानी है ये, पहले 5000 थी, 5600 हो गई, तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 5000 से 5600 हो गई, तो 600 बढ़ी है, किस पे, 5000 पे। और इसको प्रतिशत में बदल लूँगा तो कितना आ जाएगा, 100 से गुणा कराऊँगा, 20 से 20, 10 से 10, 60 में मैं 5 का भाग लूँगा तो कितना, 12%। अब मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझना, देखो गांव की जनसंख्या थी 5000, मेल बढ़े कितने 10%, फीमेल बढ़ी कितनी 15%, और टोटल मेल और फीमेल एवरेज जो टोटल जनसंख्या है ना वो 12% बढ़ी है। देखो 5000 से 5600, वो 12% यहाँ पे आएगी बीच में। ये एलिकेशन का क्वेश्चन है, मिश्रण का क्वेश्चन है, मिश्रण टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें, और ये क्लियर हो जाएगा। क्या करता है, एक ही चीज़ के दो पार्ट करता है, जैसे टोटल एक गाँव है उसको डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल में, मेल को इतना परसेंट बढ़ाया, फीमेल को इतना, और टोटल आएगा बीच में कि कुल मिला के इतना बढ़ाया, इसको तिरछा घटाना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, प्लस माइनस को नहीं देखना। 12 में से 10 गए तो कितना आएंगे 2, 15 में से 12 गए तो कितना आएंगे 3। ये जो अनुपात आया ये आएगा, ये वाला तो रहेगा मेल का और ये वाला रहेगा फीमेल का, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल जनसंख्या आ जाएगी, गाँव की मेल और फीमेल को जोड़ दोगे तो टोटल जनसंख्या आएगी या नहीं आएगी, ये तो मेल है 3, फीमेल है 2, टोटल कितने हैं 5। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल तो 5000 है, देखो 5000 है, शुरू में 5000 थे, एक का मान निकाल लो, 5 से 5 कट गया, एक का मान कितना आ जाएगा 1000। ऐसे सोल्व करना आराम से। गांव में मूलत है, मूल का मतलब शुरू में कितनी थी, फीमेल की जनसंख्या कितनी थी आपसे पूछा है, पहले थी 2, जब एक का मान 1000 है तो 2 का पूछा है, एक का मान 1000 है, 2 का पूछा है, तो कैसे निकालोगे, 2 को मैं 1000 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 2000, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर मेल का पूछता तो 3 को मैं किससे गुणा कराता, 1000 से, तो मेल का मान आ जाता 3000, 3000 पुरुष है और महिलाएं 2000 है, टोटल ऐड करोगे तो 2 को 5000 हो गया। इस तरीके से करना है, मिश्रण का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है वो और बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 15000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़ के 16300 हो जाएगी, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। सेम क्वेश्चन है, देखो टोटल 15000 है, एक नगर है और उसको डिवाइड कर दिया, देखो मेल और फीमेल में, पुरुष और महिला में, देखो पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी है, महिलाओं की संख्या 10% बढ़ी है, और टोटल 15000 से कितना हो गया 16300। तो आप ये देखो टोटल कितना बढ़ा है, 1300 बढ़ा है, किस पे, 15000 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुणा, 20 से 20 कैंसिल,
10 से 10। अब इसको कैंसिल करो, सोल्व करो इसको। 5 × 2 = 10, 5 के पहाड़े से काट रहा हूँ, 3 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15। अब क्या करना आपको, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो दे दो, नहीं तो ऐसे ही रखो इसको। पूरा पूरा भाग जा रहा है तो देना है, अदरवाइज बीच में ऐसे ही रख दो। टोटल बढ़ेगा 26/3%, पूरे गांव की जनसंख्या एक साल में 26/3% बढ़ जाएगी। तिरछा घटाना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। अब मैं घटाने का भी तरीका बताता हूँ। 26/3 में से मैं 8 को घटाऊंगा, एलसीएम लूंगा मैं 3, 26 ही आएगा, 3 का भाग 3 में दूंगा एक बार, 1 26 से गुणा होगा तो 26 माइनस इस संख्या के बट्टे में 1 है, 1 का भाग मैं 3 में दूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 8 से गुणा होगा तो कितना आएगा 24, 26 में से 24 गया तो 2 और बट्टे में 3 है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 + 24, 26 में से 24 गए तो कितने बचे 2, बट्टे में 3 है। ऐसे में 10 में से 26/23 को घटाऊंगा, 10 में से मैं 26/23 को घटाऊंगा, 10 + 30, 30 में से 26 गए तो कितना 4 और बट्टे में 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, बट्टे में 3 है। 2 के पहाड़े से 4 को काटो, 2 + 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार और इसमें 1 बार। ये मेल की पॉपुलेशन होगी, मेल की संख्या होगी और ये फीमेल की होगी, मैं दोनों को जोड़ता हूँ, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 किसके बराबर होगा 15,000 के बराबर होगा। यहाँ से 1 का मान निकाल लो, 3 × 15, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 3 0 पीछे पड़ा है, 1 का मान 5,000 आ गया। पूछा गया है नगर में स्त्रियों की संख्या, स्त्रियाँ कितनी है नगर में, 1 ही है, 1 का मान 5,000 है, 5,000 को मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो क्या आंसर आएगा आपका, 5,000 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। अगर मैं पुरुषों की संख्या पूछता तो 5,000 को किससे गुणा कराता मैं, 2 से, 5,000 2 से गुणा होगा तो पुरुष कितने आ जाएंगे 10,000। अब देखो 10,000 और 5,000 ऐड करता हूँ तो 15,000 आता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना शुरू की जनसंख्या आएगी, ऐसा नहीं हिसाब ये 16,300 होने चाहिए ना, ये शुरू की जनसंख्या आएगी आपके पास। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, वो देख लो। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये थी तो उसकी कुल बिक्री कितने रुपये की थी, ये आपको बताना है। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि आप 10,000 तक बिक्री करवाते हो, कोई शॉप पे आप रहते हो। अब आपका मालिक आपसे बोलता है अगर 10,000 तक तो कोई भी आर्टिकल बिकवाएगा, 10,000 तक कोई भी वस्तु तो बिकवाएगा, मैं 5.5% का तेरे को कमीशन दूंगा। 10,000 का 5.5% आपको मिल जाएगा, आपकी वही सैलरी है। फिर दूसरा ऑफर देता है कि अगर तू 10,000 से ऊपर बिकवाता है तो तेरे को 5.5% तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस में 0.5% का बोनस दूंगा, 0.5 का मतलब 0.5% का बोनस दूंगा। तो 10,000 से ऊपर आपका टोटल कमीशन है ना 6% का हो जाएगा। देखो 10,000 तक तो रहेगा आपका 5.5%, और 10,000 से जैसे ऊपर आप बिकवाओगे तो आपका कमीशन कितना प्रतिशत का हो जाएगा, 6% का। ऐसे आपकी आय, आपने ऐसे पैसा कमाया टोटल 1990, टोटल 1990 रुपये ऐसे आपने कमाए। तो आपसे पूछा है तो आपने बिक्री कितने रुपये की करवाई, ध्यान से समझना, ये ग्राफ है आपका और ये आपने कमाया यहां से लेके यहां तक टोटल 1990 रुपये, ठीक है। यहां पे फिक्स है आपको ये 10,000 तक है, शुरू के 10,000 तक आपको मिलेंगे 5.5% कमीशन, और जैसे 10,000 से आप ऊपर जाते हो, ये 10,000 के आगे का ग्राफ है, कितना भी हो सकता है, यहां पे आपको मिलेगा 6% कमीशन मिलेगा, यहाँ पे टोटल 6% का। कैसे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10,000 से अधिक बिक्री पे 0.5% का बोनस प्राप्त होता है, 5.5 तो मिलेगा ही मिलेगा, 0.5 हो टोटल कितना हो जाएगा ये 6%। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं आपकी इनकम शुरू से लेके एंड तक आपका कमीशन 6% बना दूँ, देखो यहाँ तक तो 6% था ही आपका, 10,000 से ऊपर तो 6% था ही, यहाँ तक ही तो नहीं है आपको, 10,000 तक ही तो नहीं दे रहा, 5.5% ही कमीशन दे रहा है, मैं इसको भी 6% बना देता तो आपकी इनकम कितनी होती, 1990 से तो ज़्यादा होती। क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, तो मैं 10,000 पे आपको जो नहीं दिया है ना कमीशन, वो और दे रहा हूँ। 10,000 रुपये तक आपको कितना दे रहा है, 5.5% का कमीशन, और 10,000 से ऊपर कितना दे रहा है, 6% का कमीशन। मैं आपको चाह रहा हूँ कि टोटल 6% का ही कमीशन मिल जाए टोटल इनकम पे। तो 10,000 पे 5.5% का ही कमीशन दिया है तो 0.5% का कमीशन और दूंगा मैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा,
तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में 2 का भाग दूंगा, तो आपकी इनकम 50 रुपये और होनी चाहिए थी। यहाँ पे 50 रुपये और मिलेंगे ना, आधा प्रतिशत में आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तो आपकी इनकम अगर शुरू से लेके एंड तक में मान लो आपने एक्स रुपये की सेलिंग करवाई, एक्स रुपये की बिक्री करवाई और उस पर 6% का आप कमीशन लेते हो, टोटल आप पैसा कमाओगे 1990, तो वो प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा, ये टोटल आपकी ये आय रहेगी 2040 रुपये आप कमाओगे। टोटल बिक्री आपकी एक्स है और उस पर आप 6% का कमीशन लेते हो तो 2040 रुपये आप कमाओगे। तो आपका आंसर आ गया, आप तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल बिक्री आपकी एक्स है, इस पर आप 6% कमीशन लेते हो, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 लगाऊंगा, ऐसे करने पे आपकी इनकम हो जाती है 2040। अब इसमें 6 का भाग दे दो, 6 3 18 बच के 2, 6 4 24 340 आया, 340 100 से गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का मान आ जाएगा 340 गुणा 100, मतलब 34,000 की आपने बिक्री करवाई थी, सी ऑप्शन होगा। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, आपको 10,000 तक दे रहा था 5.5% का कमीशन, 10,000 से ऊपर दे रहा था 6% का कमीशन, मैं ये चाहता हूँ आपको शुरू से लेके एंड तक 6% का ही कमीशन मिले। तो आपकी आय पहले 1990 मिलती थी, आपको 1990 रुपये आप कमाते थे, अगर शुरू से लेके एंड तक 6% रहेगा तो 1990 से तो ज़्यादा होगी ना, कितनी ज़्यादा होगी, यहाँ तक तो आपकी 6% है, 10,000 से तो ऊपर आपकी 6% है, यहाँ पे 0.5% कम थी, 10,000 तक आपको 0.5% कम मिल रहे थे, तो मैंने 10,000 का 0.5% आपका कमीशन निकाल लिया कि 50 रुपये आपको और देने हैं मेरे को, 1990 ये 50 ये 2040 की आपकी इनकम हो गई, अगर पूरी इनकम पे आपको 6% मिलता है तो। पूरी इनकम मैंने एक्स मानी, उसका 6% निकाला, 2040 आ गया, आप सोल्व कर लोगे, आपकी जितनी आपने सेलिंग करवाई बिक्री करवाई वो 34,000 है, यही आपका आंसर है। तो मैंने प्रतिशत आपको कंप्लीट करा दिया, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगाना, दिक्कत आती है तो क्वेश्चन मेरे से पूछना, 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई एक दो क्वेश्चन रह जाता है वो अलग बात है, मेरे से पूछोगे मैं आपको सोल्व करा दूंगा। कल से हम लाभानी शुरू कर रहे हैं, लाभानी हम पढ़ने वाले हैं कल से, रेगुलर आपको रहना है, 100% मेरी गारंटी है, मैथ में आपको आराम से सिखा दूंगा, मैं एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ और साथ में मैं इन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटे जाने का 1 घंटे आने का, टोटल 10 घंटे हो जाते हैं, फिर दिन की जॉब की थकान, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, आपको इतना तो वो रहना चाहिए कि यार फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो इन चीज़ों को सीखो, और आराम से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है।